नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लेन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी कोई भी फाइल हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर की जाती है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। पहले हमें ये जानना चाहिए कि एक फाइल बाइनरी कोड में कैसे बदले जाती है। आपकी स्क्रीन पे ए, बी, सी और डी के बाइनरी कोड्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बैड शब्द को लेते हैं जो हार्ड डिस्क में सेव की हुई है। ये बैड शब्द बाइनरी कोड में बदला जाता है जो आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब ये बाइनरी कोड्स हार्ड डिस्क में दो जरूरी चीजों से स्टोर किए जाते हैं, जो प्लेटर और रीड एंड राइट आर्म है। ये प्लेटर मैग्नेटिक फ्लक्स के मटेरियल से बना जाता है जो एक मोटर के इस्तेमाल से बहुत तेजी से घूमता है। रीड एंड राइट आर्म आगे और पीछे हिलते रहता है, जो हार्ड डिस्क के डेटा को रीड और राइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रीड एंड राइट आर्म लेटर के एलिमेंट्स को नॉर्थ और साउथ कॉम्बिनेशंस में मैग्नेटाइज करता है। अब ये नॉर्थ एंड साउथ कॉम्बिनेशंस एक बाइनरी कोड में बदले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ एंड साउथ 1 बाइनरी नंबर माना जाता है और साउथ एंड नॉर्थ 0 माना जाता है। अब जो भी फाइल को हम हार्ड डिस्क में स्टोर करना चाहते हैं वो इसी पैटर्न्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। और ये रीड एंड राइट आर्म में एक मैग्नेटिक रीडर रहता है जो ये पैटर्न्स को हार्ड डिस्क में रिकॉग्नाइज करके एक फाइल में बदलता है। अब जैसे आप जानते हैं एक फाइल हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर की जाती है, ये वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे आगे की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।